खुद कितने कंफर्टेबल थे और जुम्मे की रात कितनी खास होती है सलमान खान की? आप मुझसे इनकी कोरियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं जी? पहले तो जी, गाना अच्छा लगा? बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। तो कोरियोग्राफी मेरी, इन्होंने दिखाया है कि अब मैंने इससे मेरे स्टेप चुराते हैं इन लोग कोरियोग्राफर। ये गाना देखने के बाद एक और गाना याद आया, जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वाला। कहा था ना मैंने ये सवाल आएगा कहा था मैंने ये इससे कहा था कि ये सवाल कोई ना कोई खूबसूरत स्लिम फिट कन्या पूछेंगी। सर ट्यून नहीं मिलता है, सिर्फ जुम्मा वर्ड है उस गाने में। तो अगर लिरिक्स का आपको दोष देना है तो शब्बीर अहमद जी ने लिखा है, कुमार जी ने लिखा है। ये देखो, दिखाओ शक्लें प्लीज। हाँ ये देखा, आप दोनों उठिए। हाँ जरा फेस कीजिए उस तरफ फेस कीजिए उस तरफ। नहीं नहीं सीरियसली, ये प्रेस वाली हैं, आप प्रेस में बोलिए, आपने कहा ये, हमने नहीं कहा है। और आपने हमको ये परमिशन दे दी गई है क्योंकि आपने ये बात कह दी, वी नॉट द फर्स्ट पीपल टू से दैट। तो आपने कह दी, तो अभी साजिद और हिमेश ये बोलेंगे कि ये गाना उस गाने से मच बेटर पिक्चराइज किया है, मतलब कि ये मुकुल आनंद का गाना है। एंड साजिद एंड हमारे अहमद हैव डायरेक्टेड एंड कोरियोग्राफ द सॉन्ग बेटर देन हु? मुकुल आनंद एंड चिन्नी प्रकाश। लेकिन अहमद जी ने बहुत अच्छा डांस करवाया आपसे। करेक्ट बात है, मुश्किल काम है ये बहुत ही मुश्किल काम है मुझसे डांस करवाना। एक एमएमए का फाइटर ही करा सकता उससे डांस। आपको पता है कि ये सिर्फ कोरियोग्राफ नहीं करते हैं, ये एमएमए, आओ सामने आओ, मिक्स मार्शल आर्ट्स के ये कंपटीशन लड़ते हैं। अभी एक इनका कंपटीशन होने वाला था, लेकिन योहान, सोहेल का सबसे छोटा बेटा, 3.5 साल का है, वो यहाँ पर है नहीं, वो एलए में है, ट्रेनिंग कर रहा है। तो जैसे वो वहाँ से आएगा योहान, इन दोनों का कंपटीशन होगा। ये तो मुझे बोल रहा है कि यू नो ब्रो, आई एम गोना ट्रेन, आई एम ट्रेनिंग, यू नो आई फाइट एमएमए। तो ऐसे तू मेरे को 3 साल का योहान मुझसे कोरियोग्राफी करवा रहा है, तो मुझे डरा रहा है। और ऐसा भी मैं डरा कि मैं हंस दूँ। See, definitely the inspiration was Jumma Chumma, because that was about 20 years back. And we're big fans of Jumma Chumma. I thought still, whenever the song comes on TV or you know wherever I see it, I just keep on going back to the song and sing the whole song. It was very beautifully shot then, and I think Ahmed has also shot it very, very beautifully. And of course, the persona of Salman Bhai is something else. You know what? Like how Bachchan Saab was extraordinary in Jumma Chumma. वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे मुझे किक मिलती है, लेकिन मैं हर चीज़ में एक किक लाने की कोशिश करता हूँ। जब मुझे कोई नीचे दिखाता है, मेरा ये रहता है कि मैं उसको रॉन्ग प्रूफ करूँ। जब मेरी कोई तारीफ़ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि ये मेरी ज़्यादा तारीफ़ करें। ये हमेशा से रहता है कि मैं किसी से कुछ मांगूँ नहीं, बल्कि मैं उनको क्या दे सकूँ। तो मेरी जो भी समस्याएं हैं, मैं वो अपने आप ही सॉल्व करूं, ना किसी की मदद लूं। कि अगर कुछ हो जाए तो दोष मैं अपने आप पे दूं, ना ही किसी और को। सो ये मेरी लाइफ की किक्स हैं। गाना देखा मैंने जुम्मे की रात, काफी उल्टी सीधी हरकतें की आपने, जैसे जैकलीन के कपड़ों को आप दांतों से दबाते हैं। अरे तो ये टैलेंट कब से आया सलमान आपके अंदर? आपने कभी जैकलीन के कपड़ों को दांतों से नहीं दबाया क्या? लेकिन आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत था कि आपने ये कब जैकलीन के कपड़े चबाना सीखा। टैलेंट, आई थिंक ये थॉट मेरे माइंड में उस वक्त आया जब मैं अपनी माँ की कोख में Ha 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 ha.
To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.